है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो भी एक शॉपिंग हॉल का वीडियो है। मैंने कुछ रिसेंटली शॉपिंग की थी ऑनलाइन। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन पीरियड चल रहा है एंड अभी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है ईजिली, शॉप्स ओपन नहीं है सारी और बाहर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। तो बेस्ट है कि जितना आप घर में हो सकें आप ऑर्डर करें और घर में आ जाए तो इट्स मोर सेफ। तो इसके लिए मैंने बहुत ही अनयूजुअल शॉपिंग की है ऑनलाइन, जो कि हम यूजुअली नहीं करते हैं। सो ये शॉपिंग थी कुछ प्लांट्स की और मैं ये आपको ये बताती हूँ कि हमने मार्च में रीलोकेट हुए थे हम लोग बॉम्बे। तो हम लोग के पास प्लांट्स नहीं थे, मुझे कुछ इंडोर प्लांट्स खरीदने थे अपने लिए, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए, तो इसके लिए मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है। सो रीलोकेट होने के बाद मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम सेटल डाउन हो पाए। जस्ट 2 वीक्स ही हुए थे हमें रीलोकेट हुए एंड मुझे सब कुछ अरेंज करना था एंड मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ प्लांट्स ला पाऊँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स, तो बट बॉम्बे में जैसे आप जानते हैं कि बहुत छोटे घर होते हैं तो आप बहुत सारे बड़े बड़े पॉट्स नहीं रख सकते हैं, बालकनीज भी नहीं होती हैं ज़्यादातर। सो आई जस्ट वॉन्टेड सम गुड क्वालिटी इंडोर प्लांट्स। नर्सरी जाना पॉसिबल नहीं था, आपको पता ही है मुंबई में बहुत बुरा हाल है कोरोना का, तो आप हार्डली बाहर जा सकते हैं। जस्ट टू बाई एसेंशियल्स हम तभी जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सर्च मारा और काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े, तो 2 वेबसाइट्स निकल के आई थी जो मुझे बेस्ट लगी। वन वॉज नर्सरी लाइव एंड एक ugao.com। बट इसमें भी ज़्यादातर प्लांट्स अवेलेबल नहीं थे, काफ़ी तो आउट ऑफ स्टॉक थे। तो कुछ अच्छे प्लांट्स मुझे उगाओ में मिले तो मैंने सोचा व्हाई नॉट जस्ट ट्राई देम। तो मैंने 3 प्लांट्स ऑर्डर किए उगाओ पर एंड दे इंडोर प्लांट्स, वेरी ब्यूटीफुल प्लांट्स। इनकी पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने पैकिंग करके भेजा था, जहाँ पर बिल्कुल भी इसमें ख़राब होने की गुंजाइश नहीं थी प्लांट्स को। एंड मैंने कुछ गार्डन सॉइल भी ऑर्डर की थी जो कि 5 kg गार्डन सॉइल थी एंड वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की सॉइल थी, बिकॉज मुझे कुछ रीपॉटिंग करनी थी। मेरे पास छोटे पॉट्स थे और मैंने कुछ मनी प्लांट की डंडियाँ ना उसमें जैसे बॉटल्स में, मेरे को आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट, मैं बॉटल्स में ऐसे लगा के रखती हूँ तो इसमें रूट्स निकल आती हैं, तो इसको रीपॉट करने के लिए मुझे कुछ सॉइल की भी ज़रूरत थी, तो मैंने कुछ सॉइल इसलिए ऑर्डर करी और इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले करते हैं पैकिंग की बात। पैकिंग जो थी पॉट की ऐसे डब्बे में थी, बट मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, मैंने जस्ट फटाफट इसको खोलने की कोशिश करी ऊपर से नीचे से एंड मैंने पढ़ा नहीं कि इस पर क्या लिखा है, क्या नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। फिर बाद में देन आई रियलाइज ओ माई गॉड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, सब इंस्ट्रक्शंस इसमें प्रॉपरली गिवन थे, इसको कैसे खोलिए। ये देखिए इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली गिवन थे कैसे खोलेंगे और ये एरो भी बना था इसको ऐसे करके खोलना है। इसमें रबर बैंड्स भी थी, इसको कट करना है और प्लांट ईजिली, फिर इसको आप ऐसे करेंगे तो ईजिली ये बॉक्स बाहर आ जाएगा और प्लांट नीचे रह जाएगा। तो इतना अच्छा पैकिंग था इसका, बहुत स्टिफ पैकिंग है, नीचे ऊपर से दोनों जगह से पैक्ड है, तो इसकी पैकिंग बहुत ही बढ़िया थी। और ये जो पॉट जो मैंने लिया है ये एक्चुअली सेल्फ वाटरिंग पॉट है। तो पहले मैं आपको प्लांट्स दिखा देती हूँ एंड मुझे नाम याद नहीं है, नाम जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा मैंने कौन कौन से ऑर्डर किया, मैं लिंक भी डाल दूँगी एंड यू कैन जस्ट चेक आउट द नेम्स फ्रॉम देयर। ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा था, फर्स्ट प्लांट ये जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है, छोटा सा पॉट है, आप इसको टेबल टॉप पे रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा, आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर में यू नो वॉल शेल्फ पे रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो ये है ये प्लांट, बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ टेक्सचर था इसका, आप देखिए कितना सुंदर है, तो मुझे बहुत प्यारा लगा था ये, अभी भी बहुत प्यारा है। तो ये इसका सेल्फ वाटरिंग सिस्टम है, मैं दिखाती हूँ, इसके नीचे ऐसा एक ये है और आप इसको यहाँ से पानी दे सकते हैं एंड इसमें पानी भर जाता है, कैपिलरी एक्शन से वो ऊपर की तरफ जाता है, जो इसकी मिट्टी है उसको सोक कर लेती है ऊपर की तरफ और रूट्स को वो पानी दे देती है। तो ऐसे ये वर्क करता है कैपिलरी एक्शन
अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप घर में नहीं हैं कुछ दिन के लिए, तो आप इसमें खाली पानी डाल के रख दीजिए, ये अपने आप ही पानी ले लेगा इसको डेली, आपको वाटर करने की ज़रूरत नहीं है। इवन हम भी भूल जाते हैं रोज़ रोज़ वाटर करने के लिए, तो इसमें थोड़ा पानी डाल के रख दीजिए, ये अपने आप ही उसको ऑटोमेटिकली ऊपर सोक करके इसको वाटर कर देगा। तो ये मेरा पहला प्लांट है, आप इसका नाम और सब देख लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, मैं उधर मैंशन कर दूँगी। देन नेक्स्ट जो प्लांट था ये है, आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड फर्न, बटन फर्न, फर्न है ये। थोड़ा सा ड्राई आया है, आई डोंट नो वाई, मे बी पानी की कमी होगी क्या है, तो मैं इसको अभी वाटर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखते हैं अगर ये ठीक हुआ तो। बट क्वालिटी तो ठीक ही थी, मेरे पास अभी 2-3 दिन से है, तो मे बी थोड़ा ड्राई हो गया है, क्या चक्कर है आई डोंट नो, सो आई हैव टू सी इट। सो दिस इज़ बटन फर्म फर्न, और ये थोड़ा सा बड़ा होएगा तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो ये है सेकेंड प्लांट। थर्ड वन इज आई थिंक ये कोई टाइप का लिली है, जो इंडोर लिली होता है, इसमें कुछ फ्लावर भी निकलता है ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का था, अच्छा से ग्रीन है, इट्स वेरी नाइस क्वालिटी, इसमें नई लीव्स भी ओपन हो रही है जैसा आप देख सकते हैं, इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये 3 प्लांट्स हैं जो मैंने लिए थे ऑनलाइन, जो मैंने सॉइल ली थी उसमें मैंने थोड़ी रीपॉटिंग की है, तो मुझे अभी पता नहीं है, देखते हैं कि उसमें भी प्लांट्स चल पा रहे हैं नहीं, बट सॉइल की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ऐसा क्ले ही नहीं थी, मतलब अच्छी बिखरी बिखरी सॉइल थी, ऐसा गार्डन सॉइल होती है वैसे ही थी, एंड वो क्लेम करते हैं कि वो ऑर्गेनिक है। और अगर बात की जाए इनकी डिलीवरी की, तो इनकी डिलीवरी काफ़ी प्रॉम्प्ट थी, मैंने 19 जून को ये ऑर्डर किया था, और मुझे ये रिसीव हुआ 27 जून को, एज़ प्रॉमिस उन्होंने कहा था विद इन अ वीक यू विल रिसीव इट, लाइक 7-8 डेज में आपको ये मिल जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, और वो हो गई थी एज़ प्रॉमिस्ड। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके भी मुझसे पूछा था कि आपको डिलीवर हो गया क्या, एंड आर यू सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ़ द प्रोडक्ट्स, उन्होंने मुझसे कन्फर्म भी किया था, तो उनकी कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है, और डिलीवरी ऑन टाइम थी, पैकिंग इज़ सुपर्ब, एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स वॉज गुड। अभी आप आगे जाके वीडियो में देखेगा कि मैंने कैसे अनपैकिंग की है, अनबॉक्सिंग की है, आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख सकते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो आई एम ओपनिंग दिस पैकेज, इट लुक्स लाइक इट हैज़ गॉट पॉट्स इनसाइड, सो दिस इज द एक्चुअल पैकेजिंग दैट आई हैव रिसीव्ड एंड आई हैव नॉट ओपन्ड इट टिल नाउ, लेट्स सी हाउ इट इज। Packaging soil. This is a soil mix. Okay, garden soil mix. It says okay, cow. It says cow manure and red soil mix. And it's ready to use, no further mixing required, custom blended soil mix for all varieties of pot plants and beddings. Okay, so it is good for all purpose soil for planting, seeding, filling and leveling. So let's see, I will just open it and see how it is. Packaging is quite good. जैसे आप देख सकते हैं सॉइल ऐसी है, क्वाइट गुड, सी एकदम ड्राई है और एकदम अच्छी है। ओके, कीपिंग दिस असाइड, नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, आई थिंक दिस इज द पॉट्स, सो दिस इज द पैकेजिंग फॉर पॉट्स।
गाइस, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।